Subscribe Sapna's Food and Craft and press the bell icon for all notifications. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सपना। आज हम बनाने वाले हैं पनीर दो प्याज़ा। पनीर दो प्याज़ा बनाना बहुत ही आसान है, इसे आसानी से हम घर पर बना सकते हैं और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। इसमें केवल प्याज को दो तरीके से कट करके डाला जाता है। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए चाहिए हमें इस तरीके से प्याज कटा हुआ। एक प्याज मैंने सीखे से कट करके रखा है बड़ी बड़ी स्लाइसेस में, और दो छोटे प्याजों की मैंने इसकी प्यूरी बनाई है। मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, अब हम इसमें प्याज की जो स्लाइसेस कट करी थी वो ऐड कर देंगे। इसे धीरे धीरे हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। हमें इसे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। लगभग 2 सेकेंड ही हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, और पनीर के हमने छोटे छोटे क्यूब्स कर ली। इसे अच्छे से फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे भी हल्का सा ही फ्राई करेंगे हम पनीर को भी। ये देखिए इस तरीके से ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। मैंने यह लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़े से राई के दाने, थोड़ा सा गरम मसाला जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची और काली मिर्च। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, मैंने लंबी लंबी कट करके डाली है इसमें। और यहाँ डाला है मैंने जिंजर पेस्ट, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट हमें हल्का सा दरदरा ही रखना है। प्याज जो हमें डाले थे वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, इसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि थोड़ा सा तेल ना छोड़ दें। ये देखिए प्याज और टमाटर की प्यूरी अच्छे से रेडी हो गई हमारी। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच मिर्ची और 2 छोटे चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए। ये मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच, थोड़ी सी चीनी के दाने डालेंगे जिससे रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आए, और हम लास्ट में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस। ग्रेवी अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने फ्राई करे थे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे डाली है दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो 2 चम्मच। आप चाहे तो यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके अंदर हम डाल दिए प्याज जो हमने फ्राई किए थे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। ये देखिए 2 मिनट अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और गैस बंद कर देंगे और इसे बफने देंगे। पनीर तो प्याज की सब्ज़ी बन गई है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी होती है। आप इसे पराठा, रोटी या नान के साथ इसे सर्व कर सकते हो। ये सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है और ये आसानी से घर पर उपलब्ध सामान से बन जाती है। तो प्याज को हमने सर्व कर लिया है। अब हम इसे कुछ ग्रीन मिर्ची इस तरीके से रख देंगे जिससे सुंदर लगने लगेगा। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। पनीर दो प्याज़े की सब्ज़ी रेडी हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।